हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि मेरे थंबनेल पे आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि जो यूपी में फ्री लैपटॉप योजना है वो आने वाली है। क्या है, कैसे, पूरी बातें मैं आपको विस्तार से कहूँगा। आप वीडियो के साथ बने रहे शुरू से अंत तक और बिना भगाए हुए कंप्लीट देखें तो बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे होंगे, कौन पात्र होगा, क्या है, कैसे हो, पूरी बातें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे क्लियर करूँगा। और आपसे गुजारिश इतनी है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, समझ में आ जाएगा क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहले आप देख सकते हैं कि यूपी में जो ऑनलाइन आवेदन की दी गई है लाभार्थी सूची, अब इस सूची में क्या है, कैसे, वो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो मंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, उसकी बातें आप पहले समझ लें, जान लें, उसके बाद मैं फिर बातें पूरी करता हूं। पूरी न्यूज आप पहले इनकी सुने। हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है, सरकार के स्तर पर 3000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम सीएसआर से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे। तो हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है। दोस्तों आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। तो अब यहां पर चलते हैं कि देख सकते हैं कि जो सीएमओ ऑफिस में जो है एक अपडेट है और ये न्यूज फेक नहीं है, ये आप जान के रखो। यहाँ पर ट्विटर के अकाउंट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं और मैंने बकायदा जो न्यूज थी उसको भी बताया है। यहाँ पर जो अगस्त थी, कब से शुरू है, क्या है, मैं पूरी न्यूज आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाते हुए चलता हूँ। लैपटॉप में 65 न्यूनतम होने चाहिए और भी चीजें हैं इसमें, सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, मेन टॉपिक पर मैं कि योजना का उद्देश्य क्या है, ये तो खैर यहाँ पर भी दिया गया। और नई अपडेट क्या है कि इसकी अपडेट कल तक दी गई है, स्नातक डिप्लोमा जो है कोई चर्चा नहीं की गई, यानी निधि के अंतर्गत सरकार द्वारा लैपटॉप की और जोड़ा जाएगा, 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट फोन भी सरकार की तरफ से उपलब्ध होगी। अब उपलब्धि में जो है क्या क्या लगेंगे दोस्तों, इसकी आधिकारिक वेबसाइट अभी आई नहीं है, जैसे ही कुछ अपडेट आती है, क्योंकि अपडेट कल दी गई अभी हुआ नहीं है। और इसमें योजना का लाभ विशेषता कैसे है, इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 10वीं तथा 12वीं छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, इस योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जो है बजट निर्धारित किया जाएगा, 1800 करोड़ का बजट जो इसके अंदर निर्धारित किया जाएगा, इसकी जो योजना है उसको किया जाएगा, इसके अंतर्गत वितरण के न्यूनतम 65-70% किया, यानी यहाँ पर कर पाए वगैरह। इसके पात्र कौन कौन होंगे, इस आवेदन के लिए स्थानीय निवासी अनिवार्य है, आवेदक को प्राप्त किए हों अच्छे अंक और इस योजना के अंतर्गत ITI आवेदन कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे दोस्तों वो भी बातें मैं करूँगा। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। इसके न्यूज़ की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको और अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। आधार कार्ड तो खैर लगेगा ही, निवास आपका लगेगा, अगर आपके पास निवास ना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपका निवास जो है कम रेट में मात्र जो है 50 रुपीज़, अराउंड 50 या 60, ठीक है दोस्तों, 50 में भी या 60 में आपको निवास जो है बना दिया जाएगा, ठीक है। ये किसका तरह, ये मैंने निवास के बारे में, डोमिसाइल जिसे आप बोल सकते हो, 50 या 60 के रेट में आपको मिल जाएगा, आपको बकायदा बना के मिल जाएगा। आप यूपी के अंतर्गत जो है अपनी तहसील के आते हैं उस तहसील से आपको बना के मिलेगा, तो आप 50 से 60 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं दे दूँगा। जिसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है दोस्तों, और आधार कार्ड आपका हो गया, एक फ़ोटो हो गया, ठीक है। आप ये करके आप मेरे पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें जो है मैं आपको भेज दूंगा, ओके, ठीक है दोस्तों।
तो 10 या 5 मार्कशीट लेके पासपोर्ट साइज मोबाइल नंबर। अब यहाँ की जो है सर्वप्रथम अपने अधिकारी से जाना होगा, और कैसे होगा यानी खुद ब खुद आप कर सकते हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका लिंक अगर मैं इसके लगा हुआ, क्योंकि अभी पूरी साइट खुली नहीं है, जैसे ही साइट खुलती है मैं उस पर भी आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सारी चीज़ें आसानी के साथ होती हुई चली जाएंगी ताकि आपको ये मिल सके। तो खैर दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल इस योजना सरकार द्वारा कोई नया आदेश नहीं जारी किया गया, अभी इधर कोई भी आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, अभी आया नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो सूचित करेंगे, यानी यहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स आएगा ऐसे अपडेट्स मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले सुमंगलम से रिलेटेड भी वीडियो बनाया था जिसको आप लोग समझ नहीं पाए थे, तो बहुत से लोगों को उसमें प्रॉब्लम हुई। लेकिन किसी भी बात को समझने से पहले आप कंप्लीट देखिए तो बातें समझ में आ जाएंगी। तो होप यू दोस्तों ये एक अपडेट था, सोचा आपको रूबरू कराता चलूँ, और भी कुछ अपडेट्स आती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग मुझे ट्विटर अकाउंट वगैरह पे बोले ना उसे जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।